जब भी कोई लड़का अगर आप भी अपना फेसबुक पेज डिलीट करना चाहते हो किसी भी रीजन से, मुझे नहीं पता है कि क्या रीजन है, सबके अलग अलग रीजन होते हैं, और वो भी परमानेंटली, यानी कि आप अपना फेसबुक पेज जो है उसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो बट आपको डिलीट करना नहीं आता है, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए अपना फेसबुक पेज डिलीट करके दिखाऊंगा कि फेसबुक पेज को डिलीट कैसे करते हैं, वो भी हमेशा के लिए। तो भाई इसके लिए सब्सक्राइब करके और सॉरी लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना फेसबुक ओपन कर लेना है। फेसबुक ओपन कर लेने के बाद आपको अपने प्रोफाइल में लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ये प्रोफाइल वाला, ठीक है। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्या फिर से करते हैं। उसके बाद यहाँ आने के बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको कंफर्म करना है कि आपके सामने ये जो प्रोफाइल ओपन है ये आपका फेसबुक का प्रोफाइल है या फिर पेज वाला प्रोफाइल है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो एरो वाला दिखाई दे रहा है, छोटा सा एरो, आपको इस पे क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपकी प्रोफाइल कौन सी है और आपका फेसबुक पेज कौन सा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो है अभी कौन सा क्या खुला हुआ है, फेसबुक का प्रोफाइल खुला हुआ है। देखिए ये वाला खुला हुआ है क्योंकि इसके आगे यहाँ पे देख सकते हैं राइट का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब मेरा ये वाला जो है फेसबुक पेज है। तो इस तरीके से आपको पता लगा लेना है कि आपका फेसबुक पेज कौन सा है, कहीं ऐसा ना हो कि आपने फेसबुक पेज की जगह आपने फेसबुक अकाउंट ही डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता लगा लेना। उसके बाद आपको फेसबुक पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, एंड प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे फेसबुक की सॉरी फेसबुक पेज की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको दोबारा से इस वाले आइकन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे जो सेटिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन है छोटा सा, मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा छोटा सा, ठीक है। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये देखिए मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने यहाँ पे ये पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ये रहा देखिए लिखा हुआ है पेज सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे आपके फेसबुक पेज की जो प्रोफाइल होगी वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए आपके सामने ये पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये पहला ऑप्शन जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला है, उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, ये पे नोटिफिकेशन वाला है, ये न्यू पेजेस एक्सपीरियंस वाला है। उसके बाद देखिए आपके पास सॉरी आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा जहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो उसी के नीचे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, छोटा सा लिखा हुआ है एक्सेस एंड कंट्रोल, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, मैनेज योर डाटा, मॉडिफाई योर लेजेंसी कॉन्टेक्ट, डिलीट योर पेज एंड मोर। तो क्या करना है आपको, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते हैं देखिए आपके सामने ये पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा डीएक्टिवेट एंड डीलेक्शन, ठीक है। कुछ गलत पढ़ दू तो उसको ज्यादा माइंड मत करना, ठीक है। आप नीचे यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, लिखा हुआ है टेम्परेली डीएक्टिवेट और परमानेंटली डिलीट योर पेज। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस पे देखिए क्लिक करते ही देखिए आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, दो ऑप्शन आ जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे देखिए क्या मिल जा रहा है, डीएक्टिवेट योर पेज। तो इससे क्या होगा कि आपका जो पेज है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, रहेगा बट आपको शो नहीं करेगा, आपका जब मन तब आप उसको एक्टिव कर सकते हो, यानी कि दोबारा से वापस ला सकते हो अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो। बट आप चाहते हो कि आपका जो पेज है, मैंने जैसे कि आपको शुरू में बताया, परमानेंटली डिलीट हो जाए, आप उसको रखना ही नहीं चाहते, तो आपको नीचे में ऑप्शन दूसरा मिलता है डिलीट योर पेज। अब यहाँ पे क्या क्या लिखा है वो चीज आप यहाँ पढ़ लीजिए। देखिए लिखा हुआ डिलीटिंग योर अकाउंट इज परमानेंट, बैन यू डिलीट योर फेसबुक अकाउंट, यू वॉन्ट नॉट बी एबल टू रिट्रीब्यूट द कॉन्टेंट और इंफॉर्मेशन यू हैव शेयर ऑन फेसबुक, योर मैसेज एंड ऑल योर मैसेज विल ऑल्सो बी डिलीटेड। यानी कि आपने इस पेज पे अगर इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, जो भी चीजें
अपलोड की होंगी, जैसे कि फोटोज हो गई, वीडियोज हो गई या फिर किसी से चैटिंग की होगी, वो सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी। तो भाई मुझे तो पेज नहीं रखना है, मुझे आपको पेज डिलीट करके दिखाना है कि पेज को डिलीट कैसे करते हैं, वो भी हमेशा के लिए। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद देखिए अब आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। ये आपसे पूछेगा कि भाई आप अपना पेज डिलीट तो कर रहे हो, लेकिन काहे कर रहे हो वो भी बताना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट करूंगा खुद ही नहीं पता। तो जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक, यानी कि मैं अपना ज्यादातर टाइम फेसबुक पे बिता देता हूँ। तो ठीक है, मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आ जाता है लास्ट वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये पेज आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो है कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो देखिए आपके सामने कुछ और ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फेसबुक पेज पे क्या होता है कि आप वीडियो अपलोड करते हैं, फोटोज अपलोड करते हैं, चाहे जो भी चीज अपलोड करते हैं, आप चाहते हो कि डिलीट करने से पहले आप उसको डाउनलोड कर लो, तो आप यहाँ से डाउनलोड इन्फो पर क्लिक करके उन सब चीजों को बड़ी इजीली तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मुझे तो कुछ नहीं डाउनलोड करना क्योंकि मैंने कुछ अपलोड ही नहीं किया था, ठीक है। तो उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कंटिन्यू, तो दोबारा से आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो फेसबुक का पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। पासवर्ड एंटर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन पे देखिए, जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे ये फिर से आपसे बोलेगा क्या आप सही में अपने फेसबुक पेज को डिलीट करना चाहते हो। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से पूछेगा भी, और आपको यहाँ पे बताएगा कि अगर आप फेसबुक पेज को डिलीट कर देते हो तो आपके पास 30 दिन टाइम होता है। जैसे कि आपका मूड चेंज हो जाए कि यार मैंने फेसबुक पेज को गलती से डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे आप साफ साफ पढ़ सकते हो कि इन्होंने लिख रखा है कि आप विद इन 30 डेज, सही से नहीं दिखा रहा है, फिर से दिखाऊंगा, विद इन 30 डेज में इसको दोबारा से रिट्रीब्यूट क्या होता है, मतलब कि वापस ला सकते हो आप, समझ जाओ, ठीक है। तो जैसे कि मुझे तो नहीं लाना, तो मैं यहाँ पे डिलीट पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। इतना करते ही आपका जो पेज है सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल देवा। आप यहाँ पे आकर चेक भी कर सकते हो, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस वाले प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करते हैं, उस पे क्लिक करने के बाद देखिए आप यहाँ पे स्विच अकाउंट पे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। उस टाइम तो यहाँ पे अभी एक ही ऑप्शन बचा है, जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा प्रोफाइल है, लिखा हुआ अभी है सी योर प्रोफाइल, क्योंकि मैंने जो पेज आप लोगों को सिखाने के लिए डिलीट कर दिया है। तो बस यही बताना था इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो एक लाइक करके, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर हमेशा इसी तरह के यूजफुल और नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।